नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुंदन, ऑथर एवं आपका मेंटर, पटना बिहार से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल फंडा मैथिक सीरीज में। दोस्तों, नए नए कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन को परसेंटेज को डिग्री में या डिग्री को परसेंटेज में बदलना होता है, और जिसको हम लोग बहुत भारी कैलकुलेशन के साथ बनाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में उसी चीज़ के ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिससे कोई भी परसेंटेज वैल्यू को आप तुरंत से 1 से 2 सेकंड में डिग्री में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, 100% बराबर 360 डिग्री, और 1% बराबर क्या होगा 3.6 डिग्री, और 5% बराबर क्या होगा 18 डिग्री। इन तीनों वैल्यू को, एक वैल्यू को जानते हैं, दो वैल्यू को याद कर लेना है, 3.6 डिग्री और 18 डिग्री 1% और 5% के वैल्यू होते हैं। अब मुझे निकालना है 15% को डिग्री में चेंज करना, निकालना क्या करेंगे, 5% इंटू 3, और 5% का वैल्यू कितना था 18 डिग्री के बराबर, 18 * 3 = 54 डिग्री। एक बार में मैंने निकाला इसे, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5% इंटू 6, और 5 का वैल्यू कितना के बराबर 18 डिग्री के, और 18 * 6 कितना होगा 108 डिग्री। बहुत आसानी से अब यहाँ पे संख्या जो 5 से डिवाइड होने वाली थी, अब कुछ संख्या को हम लोग लेंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो 41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 + 1 ऐसा लिख सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 8 + 1, 8 × 5 = 40 + 1, ये हमारा क्या था 18 डिग्री, और ये क्या हो गया 18 डिग्री इंटू 8 144 डिग्री, प्लस 1% कितना होगा 3.6 डिग्री, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 147.6 डिग्री। बहुत ही आसानी से 22% क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, 4 × 5 = 20 प्लस 2%, और 5% का वैल्यू कितना 18 डिग्री, 18 * 4 = 72 प्लस ये क्या हो जाएगा 7.2, 36 × 72 यहाँ भी क्या हो जाएगा 79.2 डिग्री। बहुत ही आसानी से 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 8 + 3, आप करना इसे, 5 × 9 प्लस क्या हम लोग कर सकते हैं 4, या इसको हम कर सकते हैं 5 × 10 - 1, आप कर लेना इसको, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 × 3 - 1 या 5 × 2 + 4, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।